हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं हायर सेकंड में जय। और आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड डाटा फॉर टॉप 20 कॉलेजेस अंडर कॉमेंट के। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि टॉप 20 कॉलेज जो कि कॉमेंट के अंदर आते हैं उसमें आपको एक्सपेक्टेड डाटा ऑफ कितना रह सकता है ब्रांच वाइज। ठीक है, तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले, जैसा कि आप मुझसे बोल रहे थे रेगुलरली कि भैया काउंसलिंग करवाइए हम लोगों का, तो हम आपको काउंसलिंग करवा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमने एक डिटेल डाल रखा है कम्युनिटी पोस्ट में, उसको आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट भी दे रखा है कि क्या क्या हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या हमारा प्रोसीजर है, सब कुछ वहाँ पे मैंने डिटेल दे रखा है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो आ रहा होगा बहुत जल्द हमारे चैनल पे, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड सब्सक्राइब करके रखिएगा। बट उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए, उसमें आपको सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पार्टिसिपेट जल्द से जल्द कीजिए, ठीक है, तो ताकि सीट्स फुल ना हो, हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही है। ठीक है, हम ज्यादा बच्चों का नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टीम 6 मेंबर्स का है, इतने बच्चों का ही ले पाएंगे जो कि हम 6 मेंबर्स हैंडल कर सके, क्योंकि हमारा भी काम होता है पढ़ाई कॉलेज, इसमें बहुत कुछ होता है। ठीक है, इसलिए लिमिटेड सीट्स है, तो जल्दी से रजिस्टर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ टॉप 20 कॉलेजेस अंडर कॉमेंट के। हम यहाँ पे मेनली तीन ब्रांचेस का डिस्कशन करने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और एसीई, जो कि हमारा सभी ब्रांच का, सभी कॉलेज का बात करेंगे। टॉप 20 कॉलेज नंबर 1 से लेकर नंबर 20 तक, नंबर 1 पे हमारा आता है आरवीसी, एमएस रमैया, डीएससी, बीएमएससी, तो सारे कॉलेजेस का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हम इसका आपको पीडीएफ भी दे रहे होंगे, आपको पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। बट उस पीडीएफ को डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को देख लो, क्योंकि मैं यहाँ कुछ फैक्टर्स बताने वाला हूँ कि किस फैक्टर्स पे हमने इस कट ऑफ को बनाया है। ठीक है, तो वो क्लियरिटी होना जरूरी है। उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अपने खुद पे रख लेना और उसको पढ़ लेना। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा काउंसिलिंग में। ठीक है, कैसे आपको प्रेफरेंस भरना है, ये सब कुछ में हेल्प करेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस 485 पे क्लोज हो सकता है, इंफॉर्मेशन साइंस 890 पे क्लोज होता है, ईसीई 2110 पे क्लोज हो सकता है। देखिए, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो कट ऑफ मैंने रखा है वो लास्ट राउंड तक, मतलब काउंसलिंग खत्म होते हो तक कहाँ पे क्लोज हो सकता है ब्रांच वाइज किसी कॉलेज का, वो मैंने यहाँ पर रखा है। फर्स्ट काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड में कितना जाएगा वो उसके हिसाब से मैंने नहीं रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा है कि आपको लास्ट राउंड, मतलब काउंसलिंग खत्म होते होते किस रैंक तक जा सकता है आपका काउंसलिंग। ठीक है, कट ऑफ। ठीक है, तो ये इस बारे में मैंने रखा है। और एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगी, किस फैक्टर पे मैंने बताया है, बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, इस ईयर जो है 44,000 बच्चे अपियर हुए हैं। पहले लग रहा था कि गलत डेटा है, बट नहीं, ये सही निकला, सही डेटा है। ऑलमोस्ट 44,000 बच्चे अपियर हुए हैं ऑल ओवर द इंडिया कॉमेट के एग्जाम में इस ईयर। तो ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो लास्ट ईयर कैसे हुआ था कि फर्स्ट ईयर, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में कम हुआ था अपग्रेडेशन, बट थर्ड राउंड और मेनली फोर्थ राउंड में सबसे ज्यादा अपग्रेडेशन देखने को मिला था। तो इस ईयर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जो बच्चे पेशेंस रखेंगे, इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि पेशेंस रखिएगा। और अगर आप हमसे करवाते हैं तो आपको मैं, हम लोग कोशिश करेंगे, अपने हमारा तरफ से बेस्ट को देने की कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रेफर्ड ब्रांच होगा, प्रेफर्ड कॉलेज होगा, वो मिल सके। ठीक है, हमारा कोशिश रहेगा मिलनी हुई, तो इसलिए आप हमारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत मिनिमल प्राइस है, हमने बहुत प्राइस ये इसलिए नहीं रखा है कि हम आपसे पैसा लेना चाहते हैं, हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास 6 मेंबर्स है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, और आपका ह्यूज रिक्वेस्ट आया, पहले से ये सब कुछ प्लान करके भी नहीं रखे थे हम, आपका रिक्वेस्ट आया इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, आपके रिक्वेस्ट पे, ताकि आपको हेल्प हो सके। तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा उस डॉक्यूमेंट को। तो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं अगर एम एस रमैया के बारे में, तो आपको 1086 पे क्लोज होता है कंप्यूटर साइंस का, और आईएससी का क्लोज होता है 1500 पे, और ईसी का क्लोज होता है 3830 पे। ठीक है, बीएमएससी का बात कीजिएगा तो आपको 490 पे कंप्यूटर साइंस क्लोज होता है लास्ट राउंड तक, और आईएससी का 950 तक क्लोज होता है, ईसी का 2040 पे क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, मैंने इन तीनों ब्रांच का ही क्यों रखा है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप कॉमेट के में आ रहे हैं, अगर आप बैंगलोर में आ रहे हैं या फिर किसी भी अदर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, तो अभी जो करंट में जो मेन ब्रांचेस जो चल रहे हैं जिनमें प्लेसमेंट थोड़ा सिक्योरिटी रहता है, वो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, देन ईसी आता है। ठीक है, इसके अलावा कोई ब्रांच में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कॉमेट के में या फिर बैंगलोर के किसी भी कॉलेज में लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट लेने का बहुत कम चांस होता है, इसलिए मैं आपको यही तीन ब्रांच रिकमेंड करूंगा, और इसीलिए मैं इन तीन ही ब्रांच का कट ऑफ बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डीएससी के बारे में अगर बात की जाए तो डीएससी आपको 3869 की अप्रॉक्सिमेटली क्लोज हो सकता है इस ईयर। आपको आईएससी 4951 पे क्लोज होता है, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लोज होता है 16230 पे। ठीक है, बीआईटी का बात की जाए 3928 पे क्लोज होता है कंप्यूटर साइंस, आईएससी क्लोज होता है 4900 पे, और ईसी क्लोज होता है 18488 पे। ठीक है, और देखिए, अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू मिलता है तो ठीक है, वरना फिर आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि डायरेक्ट एडमिशन और मैनेजमेंट कोटा।
तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा से लेना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा गेट कॉलेज एडमिशन डॉट कॉम के बारे में। आप उनके साइट को विजिट कर सकते हैं www.gatecollegeadmission.com। वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में मैनेजमेंट कोटा पे कमिट के में किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन दिलवा देंगे मैनेजमेंट कोटा से। आप उनसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने उनका व्हाट्सअप नंबर, वेबसाइट लिंक और अदर्स कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे रखे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कोटा में बात कीजिएगा, तो आपको कंप्यूटर साइंस 2604 पे क्लोज हो सकता है, इंफॉर्मेशन साइंस मतलब IT आपको क्लोज होता है 8700 पे, इसी आपको 11480 क्लोज होता है। ठीक है, तो ये आपको ये मैं सारे कॉलेज का बोल बोल के नहीं बताऊं, क्योंकि आपको झूठ मूठ का ये बेफालतू का लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर रहे हैं, वैसे मैं कुछ कॉलेज डिस्कस कर देता हूँ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो नितिन मीना से बात किया, तो नितिन मीना से मेरे हिसाब से 8654 क्लोज होता है कंप्यूटर साइंस का, 11575 क्लोज होता है इंफॉर्मेशन साइंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का 34200 क्लोज होता है। ठीक है, लेस NIE की बात किया, NIE मैसूर का बात किया, तो इन्फॉर्मेशन साइंस 7750 क्लोज होता है, कंप्यूटर साइंस 4803 क्लोज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन 12920 क्लोज होता है। बात किया CMRIT के बारे में, तो 14458 क्लोज होता है कंप्यूटर साइंस, 29,000 पे ISE और 38,100 पे क्लोज होता है। मतलब इसको देख रहे होंगे अगर आप, तो मेरे हिसाब से इस ईयर जो है टॉप 10 में आपको 7,000 8,000 9,000 आराम से चले जाएगा कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन साइंस 17,000 20,000 आराम से चले जाएगा, अगर आप लास्ट राउंड तक पेशेंस रखते हैं, लास्ट राउंड तक चले जाते हैं काउंसलिंग में तब। ठीक है, और आपको जैसे 40,000 है 30,000 के अराउंड में है, तो आपको टॉप 20 के लास्ट कॉलेज जैसे कि 19 18 19 20 नंबर कॉलेज आपको मिल सकते हैं इस ईयर। मेरे हिसाब से क्राइस्ट हो गया, केली हो गया, फिर डॉक्टर अम्बेडकर हो गया, आचार्य हो गया, ठीक है, ये सब कॉलेज आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है 30,000 के बाद वाला रैंक वाला अगर आपका है तो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यही कट ऑफ रहने वाला है इस ईयर, देखते हैं कितना सही होता है कितना गलत होता है। आई होप कि मैं सही रहूं इस कट ऑफ प्रेडिक्शन में। ठीक है, और देखिए ये जो है ये मेरा ओपिनियन है, ये दूसरे बंदे तीसरे बंदे का ओपिनियन चेंज हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है मेरे हिसाब से, मेरे एनालाइजिंग के हिसाब से, क्योंकि मैंने बच्चों का रिजल्ट देखा है, मैंने यहाँ पे एनालाइज किया है बच्चों का जो रिजल्ट आया है, मैंने बच्चों से पूछा था, आपको पता होगा अपने से मैंने पूछा था कि आपका रिजल्ट कैसा आया, किस परसेंटाइल पर कितना मार्क्स बना रहा है वाके, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ऐसा कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, किसी और बंदे का यहाँ पे ओपिनियन चेंज हो सकता है, किसी और बंदे का जो है एनालाइजिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, बट ये जो है हमारा एनालाइजिंग है, तो आई होप ये सही रहे, तो आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इस ईयर कॉलेज वाइज कट ऑफ कैसा रह सकता है ब्रांच वाइज। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो ऐसे ही नए नए कंटेंट, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।